माफिया बदन सिंह बद्दों पर पुलिस क्यों चाहती है 2.5 से 5 लाख का इनाम। शराब पिलाकर फरार हो गया था बद्दो। कौन है माफिया बदन सिंह बद्दो? जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला बदन सिंह बद्दो। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस इन दिनों फरारी काट रहे माफियाओं के पीछे बड़ी शिद्दत से पड़ी है। पहले असद खान, गुलाम, अतीक अहमद अशरफ और अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना निपटे। 61 माफियाओं की ब्लैक लिस्ट से अनिल दुजाना का नाम हटते ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 2.5 लाख का इनामिया कई साल से फरारी काट रहे बदन सिंह बद्दो से पुलिस सामना करने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसकी आड़ से फिल्म साफ होती दिखाई दे रही है। जब से DGP ऑफिस से शासन को बदन सिंह बद्दो पर कई साल से रखा गया 2.5 लाख के इनाम को बढ़ाकर 5 लाख करने के लिए फाइल भेजी गई, तभी से लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं में चर्चा है कि अगला नंबर क्या अनिल दुजाना के बाद बदन सिंह बद्दो का है। दरअसल फरारी काट रहे किसी भी माफिया बदमाश या गैंगस्टर की औकात पुलिस की नजर में क्या होती है, इसका अंदाजा माफिया पर उसकी गिरफ्तारी के लिए रखे गए इनाम से होती है। कई साल पहले बदन सिंह बद्दो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम तो बहुत पहले ही रखा गया था, लेकिन अब उस पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस चाहती है कि उसके ऊपर रखे गए 2.5 लाख के इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए। आपको बता दें, मेरठ के टोपी नगर थाना क्षेत्र के बेरीपुरा निवासी माफिया बदन सिंह बद्दो पर हत्या, रंगदारी वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक केस में बद्दो को उम्र कैद की सजा मिली थी। बद्दो जब फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा था तब उसे एक मामले में गाजियाबाद की अदालत में पेश किया जाना था। 28 मार्च 2019 को पुलिस अभिरक्षा में बद्दो को गाजियाबाद लाया गया। पेशी के बाद बद्दो ने अपनी अभिरक्षा में आए पुलिस वालों को मेरठ होकर जाने के लिए राजी कर लिया। पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इस होटल में बद्दो का भी शेयर था। होटल में सभी पुलिस वालों की जमकर खातिरदारी हुई। खाने के साथ साथ शराब भी परोसी गई। पुलिस वालों को इतनी शराब पिलाई गई कि वे नशे में धुत हो गए। इसका फायदा उठाकर बद्दो वहां से फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बद्दो 4 साल से अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। हालांकि बद्दो की लोकेशन फ्रांस, नीदरलैंड समेत कई देशों में भी पाई जा चुकी है। बद्दो को पहले भी कई बार पकड़ने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जाते हैं कि फरार हो जाने के बाद बद्दो नेपाल के रास्ते विदेश भाग गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बद्दो की पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि बदन सिंह बद्दो ने 1988 में जरायम की दुनिया में कदम रखा था। बद्दो ने साल 1996 में एक वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में बद्दो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2011 में बद्दो ने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुर्जर की हत्या कर दी थी। इसके बाद 2012 में बद्दो ने एक केवल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।